हरि ओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ व्यस्त मस्त मौज से रहें और अपने आसपास और अपने इस समाज के लिए भी यही कामना के साथ अपने रोज दिन की शुरुआत करें। और ये जो मेरा सेगमेंट है आज का उपाय, और आज का उपाय एक ऐसा लेकर आई हूँ कि आपको इतना सुंदर बना देगा, इतना आपको पावरफुल कर देगा कि आप कभी भी किसी ऐसी सर्कल से ऐसा कोई आपके पास महसूस नहीं करेगा इनको अवॉइड करो या इनसे दूर भागो। हर व्यक्ति आपसे मित्रता करना चाहेगा, मनुष्य क्या देवी देवता भी आपके पास आना पसंद करेंगे। ऐसी आपको उपाय बताने जा रही हूँ। और कोई टोना, कोई टोटका, कोई तांत्रिक क्रिया, कोई नजर दोष, कोई किसी भी तरह की कोई बीमारी फटक नहीं पाएगी आप तक, फटक नहीं पाएगी अगर आप इसको अपने जीवन की दिनचर्या में सम्मिलित करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और इसी को अपने लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं, तो कभी भी जीवन में आप ना तो कहीं डिफीट होगी आपकी, ना कोई आपको लेट डाउन कर पाएगा, ना आप कभी जिंदगी में पीछे मुड़ के देखेंगे। आपके आकर्षण बढ़ जाएगा, लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और कोई व्यक्ति आपको देख करके आपको नकार नहीं पाएगा, आपको नकार नहीं पाएगा, आपको अवॉइड नहीं कर पाएगा। आप सबके लिए प्रिय होंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में नहीं रहेगा या कोई ऐसा नहीं होगा, दूर से भी कोई आपका नाम सुनेगा ना तो वो आपके पास आने का प्रयास करेगा, आपसे दोस्ती करने का प्रयास करेगा, आपसे मिलने का प्रयास करेगा। और अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आप से आशीर्वाद लेने का प्रयास करेगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति से आशीर्वाद लेना तो बड़ा पुण्य का काम होता है, लेकिन महात्माओं का औरा तो वैसे ही अपने तपस्या के बल पर ही शुद्ध होता है, लेकिन एक गृहस्थी जिसका खान पान आहार व्यवहार विचार हमेशा शुद्ध नहीं रह सकते हैं। बुरा नहीं मानना मेरी इस बात को, लेकिन ये कटु सत्य है और त्रिकाल सत्य है कि आप अपने ओरा को, अपनी किसी नीति को अपने कुछ प्रिय लोगों के लिए त्याग भी सकते हैं, तभी आप त्यागी कहलाते हैं कि मैंने तो ये त्याग किया, मैंने वो त्याग किया। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि जो मैं बताने जा रही हूँ, अगर आपने इस उपाय को कंटिन्यू कर लिया अपने लाइफ में, तो आप कभी भी किसी भी नेगेटिव एनर्जी के संपर्क में आकर भी उसके जकड़न में नहीं आएंगे, उसकी पकड़ में नहीं आएंगे। कितना बड़ा भी कोई आपका दुश्मन आपके खिलाफ तांत्रिक क्रिया करना चाहे, क्योंकि अब समय दिवाली का आ रहा है, इसीलिए मैं ये सारे उपाय आपको बता रही हूँ। और जो मैं उपाय बताती हूँ, ये सारे उपाय बिल्कुल अनुभूत हैं, अनुभूत का मतलब तो आजमाए हुए हैं, अनुभूत उपाय हैं। और इन अनुभूत उपायों को अगर आप करते हैं तो आपको भी लाभ होगा, इसीलिए मैं इनको यूट्यूब पे बता रही हूँ। अदरवाइज तो जो मेरे अपने शिष्य लोग हैं उन्हीं तक ये सीमित थे आज तक, लेकिन अब मैं आपको भी दे रही हूँ, क्योंकि जीवन का तो किसी का भरोसा नहीं है, आज हैं तो कल नहीं भी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि काल की गति तो बड़ी न्यारी होती है और सिर के ऊपर हमेशा काल हमारे मंडरा रहा है। जो जब पैदा हो जाता है तो काल उसके साथ लग जाता है, इसलिए कहते हैं कि अपने कर्म को, अपनी गति को, अपने विचारों को, अपने व्यवहार को
और अपने चाल और चलन और चरित्र को हमेशा कोशिश करिए कि जितना आप शुद्ध रख सकें उतना शुद्ध रखें। ये जो आज का उपाय मैं बताने जा रही हूँ, उस उपाय को मैं बताऊँ उससे पहले मैं ये आपसे एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। YouTube पे मैं अगर रील डालती हूँ तो रील 3 मिनट की होती है, तो उसमें उपाय, ये वीडियो लंबा होता है, उपाय लास्ट में होता है, तो अगर आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे YouTube पे आके आपको देखना पड़ेगा। Facebook पे आपको शायद पूरा वीडियो ना मिल पाए रील में, लेकिन Facebook पे आपको ये पूरा वीडियो मिलेगा, जहाँ आप तसल्ली से, इत्मीनान से इस पूरे वीडियो को अच्छे से सुन सकते हैं, बार बार सुन सकते हैं, और इसको अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली में, अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगा उतनों को लाभ होगा। क्योंकि आजकल इस कली काल में हर व्यक्ति बड़ा परेशान है, कली काल से ग्रसित है, पैसों से, धन से, या मन से, या बीमारी से, और तरह तरह की भी बहुत सारी लोगों को परेशानियां हैं। मेरे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, टैरो रीडिंग करवाते हैं, बर्थ चार्ट वो करवाते हैं, तो मैं समाज में और हर व्यक्ति के साथ जो भी दिक्कत होती है उसको समझती हूँ। तो आप मेरी इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों का कल्याण हो सके। तो मैं जो आज उपाय बता रही हूँ, वो उपाय के लिए आपको कहीं बाहर कुछ खरीदने नहीं जाना है, आपके ही रसोई घर में ऑलमोस्ट आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपके घर में मौजूद ना हो। मैं कोई भी ऐसा खर्चीला उपाय भी नहीं बताती हूँ जिससे मेरे व्यूअर्स का कोई खर्चा हो। आपके घर में है वो सारी चीज़ें। वो क्या है, अब वो आप ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लिखेंगे तो आपको ज़्यादा सुविधा रहेगी। नंबर एक, आप लौंग का चूर्ण लें, घर में लौंग होता है, उसे पीस लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए। दूसरा, आप इलायची, हरी इलायची होती है, उसका पाउडर लें, इलायची का, उसका भी चूर्ण ही लेना है, लौंग का भी, इलायची का भी। इलायची आप कोई भी ले सकते हैं, काली जिसे मोटी इलायची कहते हैं वो लें तो ज़्यादा अच्छा है। काली इलायची, मोटी वाली लें तो ज़्यादा अच्छा है, और उसका चूर्ण, लौंग का चूर्ण, इलायची का चूर्ण। तीसरा, काली हल्दी आती है, काली हल्दी का चूर्ण, वो आपको कहीं भी जनरल स्टोर से या जहाँ राशन मिलता है प्रचून की दुकान से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो काली हल्दी पिसी हुई, उसका चूर्ण, और तेज पत्ता होता है, बे लीफ जिसे कहते हो, तेज पत्ते का चूर्ण, और नटमेग, जायफल, जायफल का चूर्ण, लौंग का चूर्ण, इलायची का चूर्ण, काली हल्दी का चूर्ण, तेज पत्ते का चूर्ण और जायफल का चूर्ण, इनका चूर्ण बना के इनको मिक्स कर लीजिए। इन सब चीज़ों को मिक्स करके जब भी आप स्नान करने जाएं, अपनी बकेट में इसको डाल लें, इसको अपनी बकेट में डाल लें, और डालने के बाद स्नान करें, सारे पानी में घुल जाएगा। थोड़ा सा इसका चूर्ण उसमें डालें, इससे ये होगा कि आपका जो ओरा है, आपका जो आभा मंडल है, वो इतना पुख्ता हो जाएगा, इतना मजबूत हो जाएगा कि नेगेटिविटी तो क्या कुछ भी उसमें घुस नहीं पाएगा, ना बीमारी, ना नेगेटिविटी, ना कोई गलत इंसान आपके सामने टिक पाएगा, आपका दुश्मन भी आपके सामने नहीं टिक पाएगा, और जो देवी देवता हैं वो भी आपके पास आने का प्रयास करेंगे, आपको आशीर्वाद देने का प्रयास करेंगे, इतनी आकर्षण शक्ति आप में बढ़ जाएगी। करिए और इसका लाभ उठाइए, और मेरे इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाइए, ताकि लोगों का कल्याण हो। हरिओम नारायण हरिओम।